किसी ने सही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। सीनियर ससुराल सिमर का में भैरवी को मिल रहा है बुरे काम का बुरा नतीजा। सिमर को जान से मारने की कोशिश करने वाली भैरवी को आज मिल रहे हैं बिजली के झटके। चलिए अब चलते हैं शो के सेट पर और देखते हैं कि वहाँ किस तरह से किया जा रहा है भैरवी को टॉर्चर। अब उसी पर पड़ेंगी भारी। भारद्वाज परिवार को खूब सताने के बाद अब अंजाम भुगतने की भैरवी की आ गई है बारी। इसे कहते हैं आसमान से टपका खजूर में अटका। भैरवी को मिल रहा है बिजली का जबरदस्त झटका। अब तक तो सिमर ही भैरवी को भूत के डर से डरा रही थी, लेकिन अब ये देखिए आज भारद्वाज हाउस में डॉक्टर्स को बुलाया गया है। देखिए 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 तो जरा, भैरवी डॉक्टर से बचने के लिए पूरे घर में दौड़ रही है और चीख रही है। चारी भैरवी लाख मना करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई। बस फिर क्या था, डॉक्टर्स ने भैरवी को पकड़ा और दे दिया बिजली का जबरदस्त झटका। रहे थे कि अचानक बीच में आ गए समीर। अपनी माँ की ये हालत देखकर समीर चुप नहीं बैठ पाए और वो डॉक्टर से ही करने लगे बदतमीजी। फिर इस सारे हंगामे के बीच होती है सिमर की एंट्री। समीर का गुस्सा उस वक्त इतना ज्यादा होता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे सिमर पर ही चिल्ला देता है, और जब संजना समीर को रोकने की कोशिश करती है तो समीर उस पर भी अपना आपा खो बैठता है। फिर क्या था, अपनी प्यारी माँ को लेकर समीर वहाँ से चले जाते हैं। आइए अब समीर से ही जानते हैं कि परिवार में आज आखिर ये सब क्या हो रहा है। जी हाँ, जब मैं घर पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी माँ को कुछ लोग इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं, टॉर्चर कर रहे होते हैं, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो देखकर। और मुझे लगता है कि उन लोगों को नकली सिमर ने बुलाया है, तो मेरी उनसे हाथापाई भी हो जाती है। और मैं संजना को भी डांटता हूँ क्योंकि उसके सामने ही वो लोग मेरी माँ को टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इवन सब लोग खड़े थे, सब कोई कुछ नहीं कहता, तो मुझे देखकर बहुत बुरा लगा और मेरी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, तो मतलब बहुत बुरा लगता है। समीर, आपकी आंखों के सामने भैरवी की ये हालत हो गई, आपको अपनी माँ के लिए कितना बुरा लग रहा होगा ना? बहुत बुरा लगा मुझे देखकर, क्योंकि मैं आरव और अन्य को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। जब वापस आया तो मेरी माँ दर्द में थी, उनको शॉक लग रहा था, और किसी ने भी उन लोगों को नहीं रोका जो उन्हें शॉक दे रहे थे, तो मुझे देखकर बहुत बुरा लगा। तो आगे मैं अपनी माँ के लिए। समीर, हम भी समझ सकते हैं आपका दर्द एक बेटे होने के नाते, लेकिन समीर आपकी माँ भी कुछ कम नहीं है। अब इतनी सारी साजिशों के जाल बुनेंगी तो एक ना दिन उसमें डेफिनेटली फंसेंगी। और देखिए मिल गया ना भैरवी को बुरे काम का बुरा नतीजा।